नमस्कार, मैं पंडित नरेंद्र उपाध्याय लाइव हिंदुस्तान के ज्योतिषीय कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले हम लोग 10 जून 2021 की ग्रह स्थिति देखते हैं। चंद्रमा, सूर्य, बुध और राहु वृषभ राशि में, शुक्र मिथुन राशि में, मंगल कर्क राशि में, केतु वृश्चिक राशि में, शनि मकर राशि में, चंद्रमा जो कि राहु के साथ और सूर्य के साथ और बुध के साथ गोचर में है। यह स्थिति, बुध वहां पे वक्री है, चंद्रमा राहु सूर्य राहु, मैंने ग्रहण योग के बारे में बात किया था, बुध वक्री है, शनि वक्री है और बृहस्पति अतिगामी होकर के कुंभ राशि में चल रहा है। नीच के मंगल है, ग्रहों की स्थिति ये सही नहीं कही जाएगी, बहुत बच के पार करना पड़ेगा। अभी जंग चल रहा है इसलिए एहतियात बरतना जरूरी है। राशिफल देखते हैं। मेष, बहुत बच के पार करिए, स्वास्थ्य प्रेम व्यापार कुछ भी इस समय बहुत अच्छा नहीं है, बहुत हिसाब से चलने की आवश्यकता है, आपको फूक फूक के कदम रखने की आवश्यकता है। लाल वस्तु पास रखिए और काली वस्तु का दान करिए। वृषभ राशि इस समय बहुत तरह की चीजें दिमाग में, निगेटिव ज्यादा पॉजिटिव कम, बुद्धि काम न करना, प्रेम की स्थिति में उलझे रहना, बहुत उतार चढ़ाव वाली बात। स्वास्थ्य थोड़ा सा बेटर जरूर हुआ है लेकिन अभी भी बहुत असमंजस की स्थिति है। व्यापार भी आपका मध्यम दिखाई पड़ रहा है। शनिदेव को प्रणाम करते रहें और लाल वस्तु का दान करें। मिथुन राशि, जुबान पे नियंत्रण रखने की आवश्यकता है, कठोर भाषा का प्रयोग से बचे। स्वास्थ्य मध्यम, प्रेम में समीपता, प्रेम की स्थिति अच्छी, संतान की स्थिति अच्छी, व्यापार भी करीब करीब आपका ठीक चलता हुआ दिख रहा है। हरी वस्तु पास रखें। कर्क राशि, स्वास्थ्य पे ध्यान देने की आवश्यकता है। इस समय चंद्रमा के निर्जीव होने के कारण और ग्रहण योग बनने के कारण आपको कुछ आघात पहुंच सकता है, इस बात का ध्यान रखिए। प्रेम और व्यवसाय सही चलता रहेगा। भगवान भोलेनाथ के शरण में बने रहिए, उनका स्मरण करते रहिए, अच्छा होगा। सिंह राशि व्यापारिक तौर पे थोड़े से अच्छे दिख रहे हैं लेकिन एक उहापोह की स्थिति बनी रहेगी। सरकारी गाज न गिरे आप पे, कोई पिता के संबंध में कोई अशुभ समाचार ना मिले, इन सब बातों का ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य मध्यम, सीने में विकार संभव है, प्रेम ठीक ठाक, व्यापार मध्यम दिख रहा है, सूर्य को जल देते रहे। कन्या राशि, मान सम्मान पे कोई ठेस न पहुंचे, इस बात का ध्यान रखने की आवश्यकता है और किसी भी चीज की अतिवादी से बचे। स्वास्थ्य मध्यम, प्रेम मध्यम, व्यापार करीब करीब ठीक चलता रहेगा, सूर्यदेव को जल दें। तुला राशि, जोखिम बना हुआ है, चोट चपेट लग सकता है, अचानक परिस्थितियां कुछ प्रतिकूल फल दे सकती है, राजनीतिक और सरकारी तंत्र से कुछ आपको खराब स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य ठीक ठाक लेकिन जोखिम बना हुआ है, प्रेम की स्थिति मध्यम, व्यापार भी मध्यम रहेगा। काली जी के शरण में बने रहें, उनका स्मरण करते रहें। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य जोखिम भरा है, उदर रोग से परेशान, पत्नी के स्वास्थ्य मतलब जीवन साथी के स्वास्थ्य से परेशानी हो सकती है, कोई भी नई चीजें शुरू न करें, बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। व्यवसाय मध्यम, प्रेम की स्थिति करीब करीब ठीक है। पीली वस्तु पास रखें और काली वस्तु का दान करें। धनुराशि डिस्टर्ब थोड़े रहेंगे लेकिन विजय पा लेंगे, नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वालों की हार होगी। स्वास्थ्य
मध्यम से उत्तम की तरफ, प्रेम मध्यम, व्यापार चलता रहेगा, बहुत तेजी नहीं रहेगी लेकिन चलता रहेगा, काली वस्तु का दान करें। मकर राशि, अभी महत्वपूर्ण निर्णयों को टाल के रखें, अभी कोई निर्णय मत लीजिए जहां आपको लगे बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भावुकता के शिकार हैं और थोड़ा अवसाद की स्थिति है। स्वास्थ्य मध्यम, प्रेम ठीक ठाक, व्यापार मध्यम दिख रहा है। सूर्य को जल देते रहे। कुंभ राशि, मां के स्वास्थ्य पे ध्यान दें, भूम भवन वाहन की खरीदारी में खलल पड़ सकती है, सीने में विकार संभव है, प्रेम की स्थिति मध्यम है, व्यापार धीरे धीरे चलता रहेगा, काली जी का स्मरण करते रहे। मीन राशि, आपकी जो शक्तियां हैं ये व्यापार को बढ़ाने में अच्छी कारगर साबित होंगी। नाक कान गला की परेशानी हो सकती है। स्वास्थ्य मध्यम, प्रेम बिल्कुल भी इस समय ठीक नहीं रहेगा, इस वजह से थोड़ा सा मन आपका चिंतित और परेशान रहेगा। संतान पक्ष में भी ध्यान दीजिए, व्यापार ठीक ठाक चलेगा। शिव जी का स्मरण करते रहे। नमस्कार।